गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ रूमा योर उर्दू टीचर। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में आपको दरख्वास्त करना सिखाई थी, इसके बाद आज हम आपको ख़त लिखना सिखाएंगे। उर्दू में ख़त कैसे लिखा जाता है आज हम आपको वो बताएंगे। तो यहाँ आपके सामने जो है वो बेटे का ख़त वालिद साहब के नाम दे रखा है, ठीक है। यानी बेटा अपने वालिद साहब को ख़त लिख रहा है, ठीक है। आप ख़त किसी को भी लिख सकते हैं और किसी भी मकसद के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ख़त लिखना जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम दाईं तरफ से शुरू करते हैं। दाईं तरफ से शुरू करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर मुकम्मल पता यानी अपना पता लिखेंगे, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, किस जगह रहते हैं, वो सारा पता आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद दूसरी लाइन में आपको यहाँ लिखनी होगी अब तारीख, यानी जिस तारीख में ये ख़त लिखा जा रहा है आप वो तारीख यहाँ लिख देंगे। जैसे कौन सी तारीख में लिखा जा रहा है, 8 है ना, 8 अक्टूबर 2020 आप इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम नई लाइन से लिखेंगे, क्योंकि हम ख़त जो है अपने वालिद साहब को लिख रहे हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे मोहतरम वालिद साहब अस्सलामु अलैकुम। फिर हम नई लाइन से लिखना शुरू करेंगे, जो भी आपका मकसद है लिखने का, जो भी आप बात ख़त में लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ, मैं यहाँ खैर आफियत से हूँ, स्कूल जाने के साथ ही मैं रात को भी अपनी दरसी किताबों के मुताले में मशगूल रहता हूँ। मेरे साथ हॉस्टल में रहने वाले सभी तलबा लड़के पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हैं, तालीम में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और अच्छी आदतों वाले हैं। इसके अलावा सभी हुसूल तालीम के लिए संजीदा हैं, हम सभी आपस में अच्छे दोस्तों की तरह घुल मिल गए हैं। आप मेरी तालीम या सेहत के बारे में बिल्कुल फ़िक्रमंद ना रहें, ठीक है। इसके बाद है आपको पैराग्राफ चेंज करना पड़ेगा, मुझे उम्मीद है कि घर पर सब लोग भी बखैर आफियत होंगे, छोटे भाई कमाल और छोटी बहन नफीसा भी अपनी तालीम पर पूरी तवज्जो दे रहे होंगे। अम्मी से और घर के तमाम लोगों से मेरा सलाम अर्ज करना। जब बच्चों हमारा एक ख़त यहीं पूरा हो जाता है तब हम बाई तरफ फ़कत व सलाम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ख़त लिख रहे हैं, आप कौन हैं, क्योंकि आप बेटे हैं, क्योंकि बेटे का ख़त जो है वालिद साहब के नाम लिखा जा रहा है, तो यहाँ आपको लिखना होगा आपका बेटा, आपका बेटा। फिर इसके बाद आपको यहाँ अपना नाम लिखना होगा, आप यहाँ अपना नाम लिख देंगे। तो बच्चों इसी तरह ये ख़त जो यहीं मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।